हेलो बडीज एंड वेलकम टू प्रिटी ब्लू। आज हम फिर से हाजिर हैं कार फॉर सेल में। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने कुछ कारें खरीदी थी जिनमें कुछ सुपर कार्स भी थी, और आज हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सुपर कार्स खरीद खरीद के जो अभी हमारे पास रेवेन्यू था, हमारे पास ऑलमोस्ट 1 मिलियन था, हम उसको कोशिश करेंगे डबल करने की। छोटी कारें खरीद के तो डबल नहीं होगा ना, सुपर कार्स खरीदनी पड़ेगी। जल्दी से डाइविंग करते हैं गेम में और जल्दी से सारी जितनी भी हमें सुपर कार नजर आते हैं सब के सब खरीदेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आ चुके हैं मार्केट प्लेस में। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे छोड़ा था, यहाँ पे R8 खड़ी है और एक फरारी खड़ी है यहाँ पे भाई। तो हमें मार्केट से दो दो सुपर कार जो है वो मिल चुकी हैं। पहले फरारी का रेट पूछते हैं 278, तो इसको हम थोड़ा सा कम करवा लेते हैं, 250 का इसको देते हैं, शायद मान जाए। ओके, 250 की हमने फरारी ले ली है एक, तो इसको डैमेज इतनी नहीं है। ये एक इधर भी खड़ी हुई है BMW, इसको जल्दी से रेट पूछते हैं, फिर हम जाके R8 भी लेंगे। ये सारी कारें जितनी बड़ी बड़ी कारें खड़ी हैं हम सारी खरीद लेते हैं। ओके, 40,000 में हमने ये भी ले लिया, इसको जल्दी से भेज देते हैं। तो इसका डैमेज काफ़ी है यार, इसको ना रिपेयरिंग वाले के पास भेज देते हैं। ओके, तो अभी R8 ले लेते हैं यहाँ से। इसका भी 22% डैमेज है लेकिन वर्थ है यार, कार जो है वो रिपेयरिंग करवा के भी हमें काफ़ी अच्छा मुनाफा दे जाएगी। तो पैसे हमारे पास हैं तो हम छोटी कारें लेने के बजाय बड़ी ही लेते हैं। चलो जी, ये कार हमने ले ली, इसको भी रिपेयर पे भेज देते हैं। फिरारी अभी खड़ी हुई है इधर, इसको कुछ करते हैं, मेरे ख्याल में हम इसको चला के जाते हैं। ठीक है ना, टेस्ला एक खड़ी हुई है 50% डैमेज पे। यार टेस्ला डैमेज बहुत होती है, पता नहीं क्यों, क्या इसका सीन है। इलेक्ट्रॉनिक का व्हीकल है लेकिन डैमेज बहुत होता है इसका। जब भी मैंने ये ख़रीदी है 50% डैमेज पे ही ख़रीदी है, अजीब बात है वैसे। बाकी यहाँ पे डाले शाले खड़े, ओ एक सुपरा खड़ी है इधर, ये भी ले लेते हैं भाई। 54 ये मांग रहा है तो हम इसको ऑफ़र करते हैं 50 की, उम्मीद है 50 में दे देगा ये। ऑफ़र बुरी नहीं है, ओके हो गया। ये भी 11% डैमेज, और यार इसका एक ना पीछे से छोटी है और जब भी मैं पीछे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे अंदर बिठा देता है उसके। एक यहाँ पे एक बड़ी सारी खड़ी हुई है कोडा, इसका 28, इसे भी ले लेते हैं। पैसे हैं अभी हमारे पास भाई यार, 1 मिलियन की शॉपिंग करके ही जाना है इधर से हमने। तो 26,200 में, ओके डील डन। इसका भी थोड़ा सा डैमेज है, इसको चल के रिपेयर करवाते हैं। फिलहाल जितनी भी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कारें थी हमने ख़रीद ली हैं कि ये वाली है, इस पर डैमेज है और सफाई भी होने वाली है इसकी, डर्टी बहुत ज़्यादा भाई, 46% डैमेज भी है। तो टोयोटा शेवरॉन इसका चेक कर लेते हैं कितना, 28 में अगर दे दे हमें, 28.5 में तो 35-40 में हम निकाल देंगे इसको। और ये भी तो हमारे पास कोई स्लॉट ही नहीं है ना। एक ये भी वैसे अच्छी गाड़ी है जो लेकिन यार इसका डैमेज बहुत ज़्यादा है, इसको मैं तो कहता हूँ रहने देते हैं। डैमेज कार की रीसेल वैल्यू कम होती है, क्योंकि तब ये फरारी चला के हम जाने लगे हैं अपने शोरूम पे, ताकि भाई लोगों को पता चले ना भाई ऑनर इसका फिर अच्छा बड़ा खाता पीता है। तो ये सामने हमारा शोरूम आपको नज़र आ रहा होगा, अभी ये छोटा है, इसको भी हम अपग्रेड करेंगे इस स्टेज के अंदर। तो ये सारा कुछ मुमकिन होगा भाई, सुपर कार्स से ऐसे हम ख़रीद नहीं सकते। ये हमारी 16,000 की भाई रिपेयरिंग में भेजी हुई कारें थी डैमेज, 16,000 की ऑडी R8 रिपेयर हो रही है भाई, कमाल की है वैसे यार। अच्छा, इसको डैमेज इसका 4%, सबका ना डैमेज चेक कर लेते हैं। सुपरा भी डैमेज है और टेस्ला भी डैमेज थी ना 50%, ये सारी की सारी रिपेयर होने वाली हैं। तो हम इनको 1 by 1 ना रिपेयरिंग पे ले चलते हैं, क्योंकि एक दफ़ा यार कोई ऑप्शन नहीं है कि बंदा एक ही दफ़ा में पहुंचा दे सारी गाड़ियाँ। तो पहले हमें वो रिपेयरिंग स्लॉट के खाली होने का भी वेट करना पड़ता है, नीचे गाड़ी नहीं जाके खड़ी करनी है यहाँ पे, वरना ये ज़मीन में चली जाएगी और वापस नहीं आएगी। या फिर सुपरा को भी ले चलते हैं क्योंकि इसने भी रिपेयर होना है। सारी गाड़ियाँ हम रिपेयर करवा के बेचेंगे ताकि इसका डैमेज ना हो और इसका रेट अच्छा हमें मिले, क्योंकि अगर हम डैमेज गाड़ी बेचते हैं तो इसका हमें रेट कम मिलेगा। वैसे ये एक थ्योरी है, प्रैक्टिकली शायद ऐसा ना हो या इससे भी वर्स हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम सारी गाड़ियाँ रिपेयर हो चुकी है, इसको वापस टो कर देते हैं, इसको भी वापस टो कर देते हैं, ये भी रिपेयर है, इन दोनों को अब लगा देते हैं रिपेयरिंग पे। वैसे अभी मेरे एक आइडिया आया था माइंड में कि मैं बजाय के इसमें बैठ के इसको आगे लाने के, मैं सिंपली उसको टो भी कर सकता हूँ रिपेयर पे, है ना, मतलब इस तरह से मैं इसको टो कर सकता हूँ, राइट। ये देखो ऐसे करके इसको रिपेयर, ये इजी काम है वैसे, नेक्स्ट टाइम ऐसे ही करूँगा।
तो एक ये गाड़ी रहेगी रिपेयर होने वाली, और भाई इसके तो चिंगारियाँ निकल रही हैं, तो चिंगारियाँ, और इसके टायर भी टेढ़े हैं। ये देखना ज़रा, ये देखो चलती है तो दोनों टायर टेढ़े हैं इसके। ये तो गाड़ी बड़ी है, थोड़ी एस क्यू टाइप की है, इसको भी 51 डॉलर की रिपेयर हो रही है। चलो ऑफिस को मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ अभी, मैं इसको थोड़ा सा ना ओपन करने लगा हूँ। इतने पैसे मेरे पास नहीं है कि मैं पूरा रीबिल्ड कर सकूँ। जगह मैंने ख़रीद ली थी लास्ट टाइम 1 मिलियन की, तो अभी मैं इसको ना फिर सिर्फ टाइलिंग कर रहा हूँ, फ्लोर इसका बनाऊँगा मैं, और बाकी जो दीवारें हैं और ये सोफ़ा वगैरह पड़ा हुआ है इंटीरियर वगैरह, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अभी डिलीट नहीं कर सकते। ओके तो नया कहाँ से लेना है? ओके यहाँ पे ये आगे इसकी फ्लोरिंग मैं कर रहा हूँ सारी, मैं इसकी बना देता हूँ, स्पीड से आपको दिखाता हूँ। ओके तो फ्लोर इसका हो गया कंप्लीट, तो अब गाड़ियाँ इसके ऊपर ला ला के खड़ी करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही, क्योंकि देखना मेरे पास सिर्फ 6000 जो डॉलर बचे हैं, तो वो मैं गाड़ियों की रिपेयरिंग पे भी लगाने हैं अभी मैंने, और काफ़ी मेरा ख़र्चा भी होगा। तभी ये गाड़ियाँ बेचूंगा, कुछ पैसे आएंगे, फिर मज़ीद गाड़ियाँ ख़रीदूंगा, फिर मज़ीद पैसे आएंगे, फिर मज़ीद गाड़ियाँ ख़रीदूंगा, और ऐसे कर कर के ओ यार अटक गई। तो ऐसे कर कर के ही मैं कर सकता हूँ अपना ऑफिस जो खड़ा। अभी फ़िलहाल मेरे पास इतना नहीं है कि मैं कर सकूँ। तो फिलहाल जो गाड़ियाँ हमने ख़रीदी हैं ये भी काफ़ी महंगी गाड़ियाँ हैं, तो हमें कम से कम कुल मिला के कोई 15 लाख तो दे जाएंगी ना, 1.5 मिलियन दे जाएंगी। तो उसमें हम फिर देखेंगे मज़ीद क्या करना है। अगर तो कोई अच्छी गाड़ियाँ हमें मिल गई तो हम वो बाई कर लेंगे, अदरवाइज़ हम अपने ऑफिस को अपग्रेड करेंगे। भाई फुल साइलेंट कार है ये यार, मज़े की है। ओके तो इसको हम इस साइड पे लेके चलते हैं, क्योंकि ये साइड पे कोई भी कार नहीं है, तो यहाँ पे ये वाली अच्छी लगेगी। लास्ट कार हमारी रह गई है, इसको भी हम लेके चलते हैं। ओके ये भी लग गई इधर, और अभी हम सोने चलते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है, काम करके थक गए हम। ओके यार एक याद आया कि हमने कार एक छोड़ भी आई थी ना उधर कार मार्केट प्लेस में, ये भी रिपेयर होने वाली है, इसको रिपेयर पे लाके छोड़ दिया है हमने। तो बाकी गाड़ियों की हम जल्दी से जो वैल्यू डाल देते ताकि सुबह हमारे आने से पहले कस्टमर्स अवेलेबल हों, तो ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ऑडी R8 हम 5:20 में हम लेके आए, 16 ऊपर लगा है, तो कम से कम 8:30 में तो नहीं निकलनी चाहिए। आगे टेस्ला जो है 34 में हमने लिया, एक ऊपर लगा 35 की पड़ी, 70 में निकल जाए तो, मतलब 70 लगाते हैं तो 60 में निकल जाएगी, 60-55 तक। तो आगे लैम्बोर्गिनी एक हमारे पास है, ये कौन सी है भला? ये तो अच्छा, ये तो वो अपने वाली जो गुम हुई थी यार। यार ये गाड़ी मुझे चाहिए है। गेम डेवलपर जब भी देखे ना यार, कोई ऐसा ऑप्शन बना दें यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर, हम गाड़ी की लोकेशन रीसेट कर लें या उसको टो कर दें किसी जगह पे, ताकि हम जो है अपनी गाड़ी ही खोई हुई गाड़ी वापस ले सकें। ओके हम सोने का टाइम हो चुका है, तो हम रात को अपने हिसाब करके सो गए, अगले दिन उठे हैं तो गाड़ियाँ हमारी लगी हुई हैं सेल पे। हमारा वर्कर सब भाई साहब सफाई कर रहे हैं, एक गाड़ी जो रिपेयरिंग पे छोड़ी थी हमने वो रिपेयर करवाते हैं जल्दी से 6:29। ओके तो कस्टमर आना शुरू हो गई हैं जी सुबह सुबह ही, जो कि अच्छी बात है। 38 में हम नहीं बेच रहे, और वेट करते हैं और कस्टमर्स का। एक और इधर आया हुआ है कोडा लेने के लिए, अभी कोडा कितने की लेगा? तो 52 में मैं सेल कर रहा हूँ 37। वैसे बुरी नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा सख्त से खड़ा रखते हैं ताकि नेक्स्ट आने वाले कस्टमर जो है अच्छा रेट दें हमें। ओके तो ये सुप्रा के कितने दे रही हैं? 120 में मैं देना चाह रहा हूँ, तो 81 अच्छा रेट है वैसे यार, बुरा नहीं है। ये भी इसकी सिस्टर लग रही है, तो इसको मैं पूछता हूँ हाँ भाई कितने दे। और यार ये तो बिल्कुल ही डाउन, इतने में तो मेरी अपनी नहीं आई, किधर जा रहे अब यार, इतने में मैं कैसे बेच सकता हूँ? 80 चलो, ये फिर भी कुछ समझ में आती है बात, तो बिल्कुल 50 पे लगा दिया उसने, 81 लगाया था। इसको हम कहते हैं कि भाई तू 87 में ले जा, तो गाड़ी सुपरा आपकी बिल्कुल साफ़ है, कोई डैमेज शैमेज नहीं है, हमने सारी रिपेयर करवाई हुई है। क्योंकि R8 का कस्टमर एक आया हुआ है, ऐसे यार R8 बड़ी प्यारी है, लग रही है वाइट कलर में। मेरे पास अभी वाइट कोई भी गाड़ी नहीं है ना, इसको हम नहीं बेचेंगे, किसका रेट ही नहीं लगा रहे हैं। 80,000 में मैं ये लगाई हुई है, तो 48 मिल रहा है हमें, नहीं भाई 50 से ऊपर बेचेंगे हम इसको।
ओके, तो टेस्ला का कस्टमर 54 दे रहा है। ओके, वैसे आंटी को टेस्ला ही चाहिए, इसको वो समझ रहे हैं ना कि दूसरी इंजन वाली गाड़ी नहीं काम देगी। चलो ये हो गई सेल। इधर एक भाई साहब खड़े हुए हैं कोडा लेने के लिए। यार ये तो चला गया, ये तो वही कस्टमर जिन सबसे पहले बात की थी, लेकिन तब हम बेचना नहीं चाह रहे थे इसको, तो ये वहीं का वहीं खड़ा हुआ था। ओके, तो 62 हमें मिल रहा है इसका BMW का। इसके दूसरे कस्टमर से भी हम रेट पूछ लेते हैं। 63 हमें ऑलरेडी मिल रहा है, तो ये 50 नहीं यार, ऐसे कोई बेचते हैं। 63 कह रहा तो 68-69 में तो ये ले लेगा इजीली। 62 कम हो गया, 70 में हम ऑफर करते हैं, शायद बिक जाए। ओ बिक गई भाई, चलो अच्छे कस्टमर आना शुरू हो गए हैं भाई हमारे शोरूम पे भी। 200,000 हमारे रिटर्न हो चुके हैं। 760 वाओ, ये भी अच्छा कस्टमर है भाई। 810 में हम इसको ऑफ़र करते हैं कि अगर, तो ऑफ़र अब मेरे ख्याल में एक्सेप्ट हो जाएगी। वाओ, ओ हमारा 1 मिलियन वापस आ चुका है और एक गाड़ी अभी तक हमारे पास खड़ी हुई है। ओके, 41 नॉट बैड डील। 46 में हम ऑफ़र कर रहे हैं इसको के ले 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 ले। ओके, ये भी बिक गई हमारी, तो कुछ हमें प्रॉफिट आ चुका है। एक गाड़ी भाई हमारी खड़ी हुई है यार उधर, उसको रिपेयर पे लगवाया था ना, उसको लेके आते हैं। इसको भी सेल करना है अभी, इसको लगाते हैं सेल पे भाई। हमारे भाई साहब इसको साफ़ कर देंगे तब तक, जब तक इसकी प्राइस डालते हैं। 82 किलोमीटर 28 में हम लेके आए हैं, 1 ऊपर लग गया तो 29 की हमें पड़ गई है, 56 में हमने लगा दी। वैसे यार 1 मिलियन तो ऑलरेडी था ना हमारे पास, तो इन गाड़ियों से हमें कुछ ख़ास बचत नहीं हुई है। और ये गाड़ी हमारी यार मिल जाए ना कसम से, मुझे बहुत याद आती है इस गाड़ी की जो एकदम से गायब हो गई है। चलो जी, ऑक्शन ओपन है, तो ऑक्शन में भाई ऑक्शन का मुझे पता ही नहीं चला ये कब था, 11 बजे था, मेरा ऊपर ध्यान ही नहीं गया। लेकिन ऑक्शन में कोई गाड़ी भी अच्छी खास नहीं थी। तो ये हमारी कलेक्शन है, ये ओ कस्टमर आया हुआ है। अभी हमारी कलेक्शन थोड़ी है लेकिन फ्यूचर में चल के अच्छी हो जाएगी। 42 ये मैं ऑफ़र 43 एक्चुअली ऑफ़र कर रहे हैं हम, 46 की ऑफ़र देते हैं इसको। ओके, ये भी हमारी सेल हो गई, तो 125,000 मतलब तकरीबन 225,000 हमारा प्रॉफिट आया है। तो अगली सुबह हम नेबरहुड की एक विज़िट कर रहे हैं, यहाँ पे एक खड़ी हुई है सुप्रा, 53% डैमेज। यार कितनी कितनी डैमेज गाड़ियाँ इन्होंने रखी हुई हैं, कमाल है वैसे इनका ना। इसका 63 का कितना लगाएं, डैमेज बहुत ज़्यादा है इसकी, 55 तक ठीक है, इतना तो ऊपर लग ही जाना है इसके। ओके यार, इसको ये देखो पीछे से जब भी मैं क्लिक करता हूँ तो ये करते हैं, इसको आगे आगे करना पड़ेगा, रिपेयर भी भेज देते हैं। और एक यहाँ पे मस्टैंग खड़ी हुई है, मस्टैंग साहब कितने की देंगे, 50, 32, 31, 599, 27 में शायद मिल जाए हमें। ओके, और कार इसकी ये डैमेज बिल्कुल भी नहीं है, 0% डैमेज है, इसको हम बेटो करते हैं अपने शोरूम पे। और मज़ीद यहाँ पे कुछ नहीं है, बाकी गलियाँ देखते हैं। 6% डैमेज पर मर्सिडीज कूपे में मिल रही है 65 की, तो ये हम ऑफ़र इसको करते हैं 59,500 में दे दे, तो हम ये गाड़ी अभी लेके चले जाएंगे, नकद पैसे देंगे नकद। ओके, तो ये गाड़ी भी हमें मिल चुकी है, इसको भी टो करवा देते हैं। ओके, तो अगला दिन भी गुजर गया, ये गाड़ियाँ हमने शोरूम में, इसकी तरफ पैनल चेक कर लेते हैं, 6% है डैमेज इसको रिपेयर पे, और मस्टैंग डैमेज नहीं है। इसको हम ऑफिस में लगाते हैं सेल के लिए, जो गाड़ियाँ रिपेयर होने वाली इनको जल्दी से रिपेयर पे लगवा देते हैं। मस्टैंग का रेट हमने अभी सेट करना है इसका, 56,000 पे हमने सेल लगा दी है इसकी। बाकी जो गाड़ियाँ रिपेयर हो चुकी हैं इनको वापस टो करते हैं ऑफिस, ताकि इनको भी जल्दी से सेट करेंगे। अभी कितनी रह गई है यार, इतना स्लो हो रहा है यार, इतनी ज़्यादा रिपेयरिंग होनी है इसकी, कमाल है वैसे। चलो ये गाड़ी अभी जो हम ले के आए थे मर्सिडीज़ कूपे, इसको 120 में हम लगा देते हैं, हो जाएगी सेल। यार अभी तक रिपेयर नहीं हुई है, मैं इतने काम कर आ चुका हूँ, मैं इमन के वो उधर से भी ड्रैग रेस से भी चक्कर लगा के आ गया हूँ। अच्छा ये 92 इसका मिल रहा है हमें,
तो ऐसा करो आप मुझे इसका 101 दे दो, तो 101 में ले जाओ ये गाड़ी, पक्का कूपे आपकी। ओके तो गाड़ी शुक्र रिपेयर हो गई है, इसको भी लगा देते हैं। 56 में हमने लगाई है, 42 हमें मिल रहा है ऑलरेडी। 46 या 47 में हम इसको ऑफ़र करते हैं। ओके ओके हो गया, ये भी बिकी कार। तो ये गाड़ी जो रिपेयरिंग पे खड़ी थी ये भी हमने लगा दिया इधर, और इसको 57 में ऑलमोस्ट पड़ गई हमें, तो 130 में हमने लगा दिया सेल। ऑक्शन में आप आए हैं यार, गाड़ियाँ आज अच्छी आ रही हैं, कभी कभी अच्छी गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे, ये नहीं है कि यहाँ बिल्कुल ही कटा रहा है। ये देखो कभी कभी अच्छी आ जाती हैं, ये चार्जर अच्छी गाड़ी है, ये हम लेंगे और मस्टैंग भी लेंगे हम। चलो दो गाड़ियाँ हमने ले ली हैं और चार्जर को हमने यहाँ पे लगा दिया, चार्जर। के सुप्रा का कस्टमर है एक, हेलो मैम हाउ आर यू। तो हमें इसका कितना देगी आप, हमने 130 में बेचनी है 70, ना यार इतनी कम प्राइस में कभी नहीं मिलेगी आपको, कहीं से भी नहीं मिलेगी, पूरी मार्केट विज़िट करके आओ एक दफ़ा। ऐसे कहते हैं ना दुकान वाले, एक दफ़ा पूरी मार्केट विज़िट करके आओ। चलो ओके, इसके 20 में पड़ी है तो हम 40 में इसको लगाएंगे। आपको पता है ना हमारा असूल है कि हमने डबल रेट पर ही उसको शो करना होता है, बिक फिर जितने की मर्ज़ी जाए, एक आइडिया रह जाता है ना कि इतना रेट है और इससे हाफ में हमें पड़ी है तो हाफ से नीचे नहीं जाना, वो एक आइडिया वैसे रिमेंबर करने के लिए लगाता हूँ मैं, वरना कोई ऐसे ख़ास इसमें बात नहीं है। मैं देखो ना 130 की है तो मुझे आइडिया होगा कि मुझे 60-65 की मेरी आई है, तो मैं उसी हिसाब से इसको बेचूँगा। हाँ फिर 20-30 हज़ार ऐसे ही बचत आती है ना, ऐसे अगर बंदा 60 की ला गए तो 65 की हम सेल पर लगा दें और 64 की फॉर एग्ज़ाम्पल बेच भी देते हैं, तो क्या यार 4,000 से बचत कोई नहीं है। इतनी बचत करेंगे तो बड़ा जो एम्पायर बनाएंगे ना। अभी देखो हमारा प्रॉफिट में जा रहे हैं, ऑलरेडी हमारे पास गाड़ियां खड़ी हुई हैं। 1 मिलियन से हमने स्टार्ट की थी एपिसोड। ओके 30,000 हमें मिल रहा है इसका, 40 में हमारी डिमांड थी तो ओके मस्टैंग के भी कस्टमर आ गए हैं। एक कस्टमर को हमने रोक के रखा हुआ है, उसने रेट कम लगाया था, अभी दूसरे से पूछते हैं। हाँ भाई तू थोड़ी सी बारगेनिंग खेलते हैं इसके साथ। 56 ठीक है। ओके ये भी निकली, आज का दिन भी ख़त्म हुआ तो हम सो रहे हैं, सोने के बाद सुबह फिर जाएंगे मॉर्निंग वॉक में नेबरहुड। वैसे कार मार्केट ओपन है, एक दफ़ा विज़िट करना लें इसका, क्योंकि पैसे हैं हमारे पास, ये नहीं कि पैसे नहीं हैं, पैसे हैं, गाड़ियां नहीं मिल रही हैं आजकल यार, गाड़ी बहुत शॉर्ट है तो हमें ये छोटी छोटी गाड़ियों में गुजारा करना पड़ रहा है। देखो 52% डैमेज है, ये सारी हमें रिपेयर करवा के देनी है और मिल गई है। ओके इसको सीधा रिपेयर भी, ओ एक बीटर भी है, इसको सीधा रिपेयर भी भेजेंगे क्योंकि ये है ही रिपेयर के लायक। स्पेस वन की तो वैसे भी यार सीरीज वन, ओ हो एक लैम्बर की नहीं है इधर भाई साहब, ओ 0% डैमेज पे 482, यार अच्छी गाड़ी मिल रही है ये तो। वैसे ऑडी R8 इससे महंगी है लेकिन थोड़ी सी पास है दोनों की प्राइस, लेकिन वो इससे महंगी है। चलो जी ये गाड़ी हमारी पक्की हुई, इसको कहते हैं टो, और बक का पूछते हैं बक कितने की है। 59,786, अच्छा तो 10% डैमेज भी है। ऑफर हमने कर दी है। ओके कार हमें मिल चुकी है, इसको भी रिपेयर पे भेजना है क्योंकि रिपेयर होने वाली है ये, और कोई यहाँ पे अच्छी गाड़ी नहीं है, ये वाली भी अच्छी लग रही है, इसका पूछ लेते हैं कितने का है। मर्सिडीज़ कूपे का 65 और हम लेना चाहेंगे 57 ऊपर वाला, चलो उसको थोड़ा सा ना इंक्लाइन करने के लिए हम डाल देते हैं। चलो इसको भी हमने टो कर दिया, इसका भी पूछ लेते हैं, ये भी गाड़ी अच्छी है, लास्ट टाइम भी एक दफ़ा मैंने बेची भी थी लेकिन इसका डैमेज बहुत ज़्यादा है। बीटल पूछ लेते हैं भाई, बीटल यार अब सस्ती गाड़ी हो गई है, अब इस पर इतना ना मज़ा नहीं आता है बीटल लेने में और बेचने में, छोटी गाड़ियों में ना मार्जिन कम होता है
बहस ज़्यादा करनी पड़ती है उनको ख़रीदने में और बेचने में, बारगेनिंग जिसको कहती हैं। ओके तो सारी गाड़ियाँ ऑलमोस्ट जो हैं वो रिपेयर होने वाली हैं। ओके तो इसको हो गया और इसका भी हो गया। चलो जी, गाड़ियाँ लगनी स्टार्ट हो गई हैं हमारी शोरूम पे। हम सारी गाड़ियाँ यहाँ पे लगा गए, पर ये लैम्बोर्गिनी भी हम बेच रहे हैं आज तो। सारी गाड़ियाँ हमने यहाँ पे लगा दी हैं, अब इनके जल्दी से चलते हैं रेट सेट करते हैं पीसी पे जाके, सेल वाले पेज पे। ऑडी S5 जो है ये 30,000 में लगा देते हैं, और फिर लैम्बोर्गिनी है, लैम्बोर्गिनी हमें 436 में पड़ी है, डैमेज नहीं था इसका। अब आगे बक आ गई, बक हमें 53 में पड़ गई है ना, तो 31 ठीक है इसका। और मर्सिडीज़ कूपे ये क्या इसने उठाया आगे से, 57-58 में हमें पड़ी है, तो इसको हम 120 लगा देते हैं इसका। इसके बाद बूटल जो बीटल है ये हमें 20,000 में पड़ी है, 20,000-25,000 में, तो 48 इसका लगा देते हैं। चीज़ें बिक जाती हैं यार, ऐसा नहीं है कि बिकती नहीं है, अच्छे कस्टमर नहीं आता है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये देखो लैम्बोर्गिनी का कस्टमर आया, आप देखते हैं कि क्या देगा हमें। 870 में हमने लगाई है, 563 अच्छी प्राइस दे रहा है, हमें कुछ मुनाफा भी हो रहा है इसमें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा मुनाफे का बेचूँ। अभी कुछ कारें जो ऑफिस से बाहर खड़ी हुई हैं, मैं मैनुअल क्लीन कर रहा हूँ, ऐसे में XP मिलते हैं, एक्सपीरियंस पॉइंट्स। ओके तो बीटल का कस्टमर दो आए हुए हैं, एक भाई साहब 22 में कह रहे हैं, दूसरे से पूछ लेते हैं रेट। 28 इसका रेट अच्छा है वैसे उससे, है ना। ओके लैम्बोर्गिनी का कस्टमर आया हुआ है, इसको कितने में, 583 तो मुझे पहले मिल रहा था, मैंने नहीं बेची। ओके तो 609 अच्छा रेट है वैसे ये भी, थोड़ा सा बार्गेन करके इसको ऊपर ले चलते हैं। अभी गाड़ियां तो बहुत आएंगी, ऐसा हमने नहीं सोचना कि ये गाड़ी आखिरी है हमारी, गाड़ियां बहुत आएंगी अब आगे जाके। ओह कस्टमर्स और आ रहे हैं। हेलो भाई साहब, लिविंग नाउ, तो जा फिर, मेरा मुंह क्यों देख रहा है, 78 में दे रहा है यार वैसे। अच्छा ये भाई साहब क्या कहते हैं, 89 गुड प्राइस, इसको 96 कर दें क्या, 96 ऑफर करते हैं, क्या करता है कि ओके बिक गई है अभी। बीटल भी अभी बिकने लगी है हमारी, 48 का 23 नहीं यार कम है। ओके 48 का 24 होता है ना आप, तो 24 तो हमारा लगा है इस पर। नहीं इतने में भी नहीं बेचनी। 28 ये भी नहीं बेचनी, वैसे उनसे अच्छी प्राइस है लेकिन फिर भी मैं नहीं बेच रहा हूँ। शाम हो गई है, कस्टमर ऑफिस में है लेकिन मैं जा रहा हूँ नेबरहुड में एक विज़िट करने के लिए कि भाई रात हो गई यार, अब सोना पड़ेगा, रात पड़ी जल्दी हो जाती है यार इस गेम में, पता नहीं क्यों एकदम से ऐसे रात हो जाती है। ओके तो यार बीटल मुश्किल से बिकती है, इसके इतने कस्टमर्स नहीं आते हैं। ऑडी TT हमें मिल रही है, डैमेज भी मिल रही है 26 की, 27 की। ओके तो ये गाड़ी हमारी हो चुकी है, अब हम इसको भेजते हैं रिपेयर पे ताकि रिपेयर हो जाए। बीटल एक और यहाँ पे खड़ी हुई है, और ये कितने की है, 21। ओके तो मिल गई हमें ये गाड़ी हमारी मनपसंद प्राइस पे। ओके तो इसकी ऑफर करते हैं हम 69, उम्मीद मिल जाएगी, गुड वन। इसको भी टो करवा देते हैं, और एक यहाँ पे एक और ब्लैक, यार ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक कार बड़े आ रहे हैं यार आजकल ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में, अच्छी लगती हैं, थोड़ी सी माफिया टाइप मार होती हैं, गैंग टाइप गाड़ियाँ होती हैं वो लगती है, लेकिन इनके रेट इनकी प्राइस कम होती है बड़ी गाड़ियों की, और प्राइस कम है तो प्रॉफिट भी कम होगा। तो ये गाड़ी चला के हम आ चुके हैं अपने ऑफिस के, बहुत ज़्यादा डैमेज है यार देखो।
जल्दी से कर दो भाई। कोई तो कस्टमर आए हुए हैं हमारी शोरूम पे, 28 पहले भी 28 में मिला था ना इसका रेट, हमने खुद नहीं बेचा था, 31 में निकाल देते हैं यार। ये बिक भी तो नहीं रही है ना यार, कभी कभी मैं खुद जो है ना उकता जाता हूँ कि यार इतनी देर हो गई है, गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं, जगह इन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है लेकिन बिक नहीं रही हैं, तो फिर निकालनी पड़ती है। ऑडी टीटी हमें आई थी 23 में पड़ी थी, हम इसको 52 में लगा देते हैं। पहले भी हमारी एक दफ़ा बिकी है मेरे ख्याल में ना ऑडी, तो बीटल हमारी 42 में लगा दी है हमने। BMW कूपे जो है ये 152 में लगा दी है, और सारी कारें लग चुकी हैं, ऑक्शन ओपन है, और ऑक्शन होना 4 बजे ओपन, 3 बज चुके हैं, 4 बजे ऑक्शन है, तो हम थोड़ा सा कही जो कार लेके आए हैं इसको लगा देते हैं पहले सेल पे, रिपेयर पे खड़ी थी, और चूँकि 34 में हमने डबल करके लगा दी है। कस्टमर को हम डील करते हैं और फिर जाएंगे ऑक्शन पे, क्योंकि ऑक्शन भी आज ओपन होने वाला है। 34 हमें मिल रहा, नॉट बैड, ओके तो हमें दे दो भाई तू, 39 बिक गई, गुड 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 गुड। ऑक्शन ओपन होने लगा है तो हम पहले एक दफ़ा देख लेते हैं कि किस किस्म की गाड़ियां आ रही हैं, क्योंकि समटाइम ना हल्की गाड़ियां ही आ जाती हैं ऑक्शन में सारी, और होती भी डैमेज हैं भाई। पहली गाड़ी अच्छी आई है, मैं जल्दी से टिकट लेके बैठने लगा हूँ, क्योंकि गाड़ी अच्छी आई है इसका मतलब है कि आगे भी अच्छी आएंगी, तो मैं सारी गाड़ियाँ के सारी की सारी खरीद के ले जा सकता हूँ, इतने पैसे हैं मेरे पास। ओके NG5 भी अच्छी है, 0% डैमेज है यार, ये बहुत अच्छा होता है कि जब ना विदाउट डैमेज गाड़ियाँ आती हैं। ओके तो पहली दूसरी और आखिरी गाड़ी हमने ले ली है, वैसे ये आखिरी गाड़ी मैंने ऐसे ही ली है कि मैंने कहा यार कुछ तो ले के तो जाएँ यहाँ से, पैसों का क्या करना इतने का रख के, तो लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये जो है ना बड़ी जो गाड़ियाँ हैं इनका इनकी रीसेल वैल्यू नहीं आती है इतनी, पता नहीं क्यों, वैसे इनकी एक्चुअल प्राइस भी कम होती है, तो उसी परसेंट से इसको रीसेल में प्रॉफिट आना है, लेकिन फिर भी बाकी गाड़ियों के नस्बत कम लग रहा होता है इसका। कि तो NG5 हम 55 में लेके आए हैं, तो 110 में हम लगा देते हैं। एंड पे ये किया आ गई, किया हम लेके आए हैं 49-50 में लेके आए हैं, 110 में लगा दी है। कस्टमर आना भी स्टार्ट हो गया भाई, भाई साहब ये देखो। ओके 34 में हमने लगाई हुई है, तो इसकी हमें मिल रही हैं 25, गुड वन। तो बिक गई है, तो बिक गई BMW कूपे के यार, बड़े कस्टमर आ रहे हैं, 100 हमें मिल रहा है लेकिन हम नहीं बेच रहे, थोड़ा सा ऊपर मिल जाए यार, फिर 100 चलो इसको बेच देते हैं। आप बीबी है ना, आप कहाँ जाएगी, इसका इसका कितना था, उसका 108849 था, इसका 698 है, इसको बेचते हैं, इसका थोड़ा सा ऊपर है ना, तो 115 में कहते हैं कि शायद बिक जाए। ओके बिक गई यार, ये ऊपर की भी कितने चढ़ के खड़ी है, यहाँ पे ना तो चेयर है और ना टेबल है, हवा में ही चढ़ खड़ी हुई है। ओके 40 यार, ये किसी ने तो बिल्कुल हाफ ही लगा दिया, इसको लगता है मेरे प्लान का पता चल गया कि मैं डबल रेट लगाता हूँ। हाँ भाई इसको भी पता चल गया मेरे प्लान का, ये सारी ना हाफ कीमत लगा रहे हैं। अब देखो यार, एक 150 मैंने लगाई हुई है, तो इतना ऐसा तो नहीं कि हाफ ही होगी। ओके ये अच्छी प्राइस है, लेकिन इसको भी थोड़ा वेट करवाते हैं, अभी कोई गाड़ी जो है वो सेल नहीं हो सकती क्योंकि रात का टाइम है, रात को कस्टमर्स नहीं आते हैं। मार्केट आज ओपन है, तो हम जल्दी से चलते हैं सबसे पहले मार्केट, मार्केट में देख के आते हैं कि कौन सी गाड़ी आई हुई। यार दिल टूट गया फिर आज से, कोई सुपर कार नहीं है आज फिर, जो कि बहुत बुरी बात है हमारे बिजनेस के लिए। ओके ये कार है, एक हमने ले ली है, दूसरी हम बाकी जो है वो पूछ रहे हैं कितने की है। 56 में मिल रही है, अच्छी है वैसे यार 56 में, 51 की ऑफर, और जो कि एक्सेप्ट हो चुकी है, इसको हमने भेज दिया, टो करवा दिया। आगे डोज चार्जर जो है ये 24.9 में मिल रही है हमें, तो 21.5 में ये भी मिल गई, 3000 बचत हो गई है मेरी। 3000 की हम कोई गाड़ियाँ हैं वो ले सकते हैं, मतलब 3000 से भी कम वाली सस्ती गाड़ियाँ हैं, तो मैं ये 42 में लगाई थी, 43 में मिल रहा, मैंने बेच रहे सिंपल। शेवलेट कितने की है, 150 हमने लगाया हुआ है,
और 110 में मिल 110 मिल रहा है हमें, तो हम 120 का लगा देते हैं। बिक गई NG5 जो है ये, एक 10 में हमने लगाई है, 74 हमें इसका मिल रहा है, हम नहीं बेच रहे क्योंकि ऐसी प्राइस नहीं चाहिए हमें। ओके, तो इसका क्या मसला है? 65 यार बहुत कम है यार, 65। ओके, ये भी सेल हो चुकी है। अब इस कार पे दो कस्टमर आए हुए हैं, इनसे पूछते हैं भाई तुम्हें क्या चाहिए। किसको भी ना यार, उसका टाइम ही पूरा हो गया था। ओके मिसेस, वट एवर यू आर, आई वांट टू आस्क यू फॉर $83,452 एंड दिस कार इज़ योर्स। ओके, बिक गई भाई, बिक गई। एक ये इसको भी ला के खड़ा कर देते हैं उधर बाकी कारों के साथ यहाँ पे। ओके चलो भाई, जल्दी से रिपेयर कर दो। चल के ड्रैग रेस देखते हैं यार, ड्रैग रेस पे आजकल गाड़ियाँ क्यों नहीं आ रही हैं अच्छी वाली? कस्टमर आया हुआ है पीछे यार, मज़ा नहीं आ रहा ड्रैग रेस का ना। ओके, ये गाड़ी बिक गई है। अब ये वाली हमारे पास थी डोज चार्जर जो थी, इसको हम लगा देते हैं और इसको भी बक को भी लगा देते हैं। बक थी ये कौन सी थी? शेवलेट के। तो बाकी जो है ये एक 20 की और दो चार्जर जो है ये 42,000 की लगा देते हैं। और नेबरहुड में यार अच्छी गाड़ियां नहीं हैं, नेबरहुड में यार अच्छी गाड़ियां होनी चाहिए। यहाँ पे मेरे को ना लोअर मिडल जो है बजट उसकी गाड़ियां पड़ी हुई हैं जितनी भी हैं। मैक्सिमम हमें यहाँ से सुप्रा मिली है, उससे ऊपर कोई गाड़ी नहीं मिली, तो हम उसको क्या मतलब समझें। चलो चलते हैं, सोते हैं, 4 का टाइम है, बाकी का टाइम सो के गुजारते हैं अगली सुबह। फिर कस्टमर आए हुए हैं हमारे शोरूम पे, 42 हमने लगाई है, 30 हमें मिल रहा है भाई, ऑलरेडी मिल रहा है, तो 32 में ले जाना है, 35 में ले जा। चलो अबे बात तो सुन के जाओ, हो सकता तो तुम्हारा ही फायदा हो। चलो ओके, गाड़ी हमारी हो चुकी है, और सॉरी गाड़ी बिक चुकी है हमारी। कई इधर भी कस्टमर आए हुए हैं, 120 की हमने लगाई हुई है, 76 मिल रहा, नहीं हमें नहीं बेचनी इतने में। अगेन 120 लगाया हुआ है, 73 मिल रहा है यार, अभी तो 76 वाला रिजेक्ट किया, तो 73 कैसे आ गया? इसका हमें 60 पॉगविल तो बिल्कुल भागना, तेरे से बात नहीं करने का यार, तुझे तो नहीं कहा था तो फ्री में चला गया। ओके तो 29 ओके, बिल भी पे करने हैं भाई आज के दिन, तो बिल मंडे का दिन बिल का दिन होता है इस तरह। इस दिन ना तो कोई ऑक्शन खुलता है, ना ही मार्केट प्लेस खुलती है। ओके तो यहाँ पे कस्टमर है इस गाड़ी का बक का, तो इसको डील करते हैं, तो 80 दे रहा है यार भाई, कर 86 में ले जा। ओके ये भी बिक गई है, अब इससे एक गाड़ी हमारे पास यहाँ पे खड़ी हुई है शोरूम पे। ओ भाई साहब, GTR आई हुई है इधर, नहीं क्या क्या होगा फिर तो, उसके भी ABS सर्विसिंग किट भी लगी हुई है, NOS भी लगा हुआ है भाई। मैंने लगा तो दी है बैट, लेकिन मुझे पता है कि मैं हार जाऊंगा। वैसे ये कार अभी तक मैंने नहीं देखी थी, आज फर्स्ट टाइम इसका दीदार हुआ है, और वो फर्स्ट टाइम ही ये हमें हरा के जाएगा भाई। फुल वाली स्पोर्ट्स कार है ये, के तो इसको थोड़ा सा आगे लेकर यहाँ ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। 3, 2, 1 ओ भाई कितनी, ये क्या था?
वही भाई, दो सेकंड मिली सेकंड का डिफरेंस था, और वो कितनी स्पीड से यार निकल गई हमसे आगे। मतलब हमारे पास अगर निशान GTR हो तो हम यहाँ में मौजूद किसी भी कार को हरा सकते हैं यार। ये होंडा सिविक है ना जो हम हमारी सबसे पहली कार थी। ओके अब एक मस्टैंग है, पोर्शे है, पोर्शे की रेट पूछ लेते हैं। सामने एक फीएट भी है, 13% डैमेज है और हमें 157 की मिल रही है। इसको हम ऑफर करते हैं 185 148 का। ओके ठीक है जी, बिक गई ये भी। फीएट कितने की दे रहा है, डैमेज है 35%। यार ये गाड़ी ऊपर की ऊपर ही जाई जा रही है। ठीक है जी, ये भी हमने ले लिया है, इसको भी रिपेयर पे भेजना है क्योंकि रिपेयर का काम होने वाला है इसका। और एक सुप्रा खड़ी हुई है, इसका अभी रेट पूछते हैं कि ये कितने की है। 0% डैमेज, वाओ। टर्बो लगा हुआ है, NOS लगा हुआ है इसमें। ये पोर्शे भी सेल कर देते हैं फिलहाल, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी तब तक कोई और आ जाएगी, हमें कोई और अच्छी वाली जो है ना साफ़ सुथरी ख़रीद के रख लेंगे, जो लेटेस्ट मॉडल हो और कम से कम चली हुई हो। अच्छा चलो, इसके पोर्शे की हम लगा रहे हैं 290 लगा देते हैं, क्योंकि 150 में तो हमें पड़ा है ना यार 2000 वो। और ठीक है, फीएट जो है ये 325 में लगा रही है। फाइन, अभी हम थोड़ा सा ऑफिस की बना लेते हैं, रात भी हो गई है भाई यार। ओके इसको भी थोड़ा सा तेज़ ना कर दूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मेन पे जो फ्रेम वाला शीशा वो लगा देते हैं, जो पीछे है वो सिंपल शीशा ग्लास लगा देते हैं, ग्लास ही लगाएंगे यार। ओके जी, एक हमें ये भी चाहिए, लिफ्टर भी चाहिए ना गाड़ियाँ ऊपर वाले फ्लोर पे ले जाने के लिए। ओके ये गाड़ी जो है ना हमारी, जो हमने एक तो हमें जो थीम से मिली है ये वाली, और जो बाकी गाड़ियाँ हैं ना जो हम पर्चे उससे जीत के लाएंगे, ये हम ऊपर वाले फ्लोर पे खड़ी करेंगे, जो हमने बेचनी नहीं है। जो बेचने वाली गाड़ियाँ वो नीचे खड़ी करेंगे, ठीक है। ओके हमारी प्यारी लैम्बोर्गिनी भी आ चुकी है इधर, उनको भी थोड़ा सा ना कोई यार
अभी मेरे माइंड में कुछ है नहीं कि मैं इनको कैसे सेट करूँगा। आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि मेरी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है क्या ये ठीक है या नहीं है, और इन जो ये मेरी ये अपनी पर्सनल गाड़ियाँ हैं इनको मैं कहाँ पे रखूँ, ठीक है ना। ये आपने मुझे बताना है। यहाँ पे सुप्रा के कस्टमर आए हुए हैं, इनको थोड़ा सा डील कर लें क्या। फिरारी को भी हम एक, तो यार ये मेन्यू जो है ना ये पीछे ही पड़ जाता है। जब मैं गाड़ी को ड्राइव करके ले जाना चाह रहा हूँ तो मुझे ड्राइव का ऑप्शन दो। ओके, तो ट्यूटा सुप्रा के कस्टमर आ रहे हैं 57। कोई बड़ा कस्टमर नहीं आ रहा यार, 74 ये भी नहीं। इस आंटी को ये बेचेंगे हम फाइनली, यही जो आंटी डिजर्व करती है। 75 इसने ऑलरेडी हमें कहा है, तो हम इसको ऑफर कर रहे हैं 82 की। जा ले जा 82 की, थैंक यू। एक दफ़ा हमारा ये शोरूम खाली हो चुका है सेल करने वाली कार से, क्योंकि एक पर्सनल कार तो हमारी उधर ही है। इसको भी तोतिया कार को भी ले चलते हैं आगे, क्योंकि अब ये भी हमारी जो हिस्सा है हमारे शोरूम का। तो एक दफ़ा नेबरहुड चक्कर लगा के आते हैं, नेबरहुड में क्या सूरत हाल है, कौन कौन सी गाड़ी वहाँ पर मिल रही है। ओके, तो ये वाली ले लेते हैं, ये अच्छी मिल रही है, इसका डैमेज नहीं है। जब डैमेज नहीं गाड़ी होती ना उसको देख के वैसे ही मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि रिपेयर करवानी नहीं पड़ेगी इसकी, इससे वैल्यू डाउन नहीं होगी। तो अब ये देखो ये रिपेयर वाली, इसको लेते हुए मैं सोच रहा हूँ कि यार बार्गेनिंग करके इतनी कम प्राइस कराऊँ ताकि उसकी रिपेयरिंग वाली कॉस्ट ऐड करने के बाद उन्हें कुछ प्रॉफिट भी दे। ये गाड़ियाँ रिपेयर हो चुकी हैं यार, ये देखो लोग ऐसी ऐसी गाड़ियाँ यहाँ पर पेंट करवाने आए हुए हैं, और आप लोग कहते हैं कि यार इतना महंगा पेंट है और किस पे करवा रहे हैं आप। तो लोग ट्रकों पे पेंट करवाने आए हुए हैं। तो चलो जी, इसके साथ ही अब देखें, हमने हमारे पास 1.7 मिलियन जो है इन कैश है, हमारे पास कुछ गाड़ियां हैं और कुछ गाड़ियां अभी सेल करने वाली हैं, तो ऑलमोस्ट हमारे पास डबल हो चुका है, ठीक है। तो इस एपिसोड को यहाँ पर एंड करते हैं, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, टिल देन गुड बाय।